दोस्तों भारत ने T20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब साल 2007 में जीता था। इसके बाद भारत में IPL की शुरुआत हो गई, लेकिन IPL शुरू होने के बाद से लेकर अब तक भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप को दोबारा जीतने में नाकाम रही। दोस्तों जबकि लीग का मकसद है T20 में भारतीय टीम को बाकी टीमों के मुकाबलों में मजबूत करना, लेकिन दोस्तों ये पासा पूरा उल्टा पड़ गया। भारतीय टीम मजबूत होने के बजाय कमज़ोर पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने 2007 के बाद से अब तक कोई भी वर्ल्ड कप अपने नाम नहीं किया है। भारत इतने सालों में भी दूसरा T20 वर्ल्ड कप अपने नाम नहीं कर पाया है। अगर बात करें भारतीय टीम की, तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा कप्तान बने, लेकिन इन दोनों की कप्तानी में टीम इंडिया के खाते में एक भी ऐसा कप नहीं गया जो कि भारतीय टीम के लिए गौरवान्वित करने वाला हो। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप जीता जरूर है रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने, लेकिन वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप की एक भी ट्रॉफी भारतीय टीम के हक में नहीं आई है। दोस्तों इसी को लेकर ई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए वसीम अकरम ने कहा कि हम सबको लगता है कि IPL शुरू होने के बाद भारतीय टीम में बड़ा बदलाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब से IPL शुरू हुआ है, इंडिया ने एक बार भी T20 विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। दोस्तों IPL भारतीय खिलाड़ियों के करियर को बर्बाद कर रहा है। युवा खिलाड़ियों को इस लीग में 12 से 13 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, जिसका असर उनके खेल पर पड़ता है। वहीं वसीम अकरम ने गेंदबाजों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने बात करते हुए कहा कि पुराना किस्सा याद करते हुए बताता हूँ। वसीम अकरम ने बताया कि अभी एशिया कप में मैं कुछ लोगों से मिला था, जिनके साथ मैं पहले काम भी कर चुका हूँ। मैं उनसे बात कर रहा था कि जो तेज गेंदबाज जैसे आवेश खान को लेते हैं, वह 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करता था, वह 140 प्लस कंसिस्टेंट करता था, लेकिन एक सीजन के बाद वह 130 पर आ गया। एक सीजन में उनकी पेस चली जाती है। वसीम अकरम ने कहा कि BCCI को युवा खिलाड़ियों के लिए IPL में फिक्स अमाउंट सेट कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसे मिलने से खिलाड़ियों में मेहनत की भूख खत्म हो जाती है। और दोस्तों यही कारण है, इसी भूख के कारण नहीं लगने के कारण भारतीय टीम को अब तक 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ में उठाने का मौका तक नहीं मिला। क्या वसीम अकरम सही कह रहे हैं? ये फैसला तो BCCI तय करेगी।